मध्य प्रदेश सरकार के जल संरचनाओं का वाटर ऑडिट करने के निर्णय पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार केवल दिखावे की राजनीति करती है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि राजधानी भोपाल में बड़े तालाब पर भूमाफिया निरंतर नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश भर में केवल भोपाल ऐसा शहर है जहां भाग भ्रमण क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण अतिक्रमण होता जा रहा है। जमीनी जल को भाजपा सरकार और भूमाफिया मिलकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भोपाल की जनता को अगर पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है तो ये सरकार की असफलता है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से दिखावे की राजनीति करती है, जल संरक्षण की बात कर रही है। आज हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब को किस तरीके से भूमाफिया निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश की नहीं, देश भर में एकमात्र नगर निगम भोपाल है जिसमें बाघ भ्रमण क्षेत्र है, उस पर निरंतर अतिक्रमण होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जमीनी जल वो है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य भाजपा और यहाँ के भूमाफिया मिलकर कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर पीने योग्य पानी आम जनता को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं असफलता है भोपाल नगर निगम की और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की। आप कितनी भी योजनाएं कागजों पर बना लें, अगर वो जमीनी रूप तक मुहूर्त रूप नहीं लेती है तो निश्चित ही योजनाएं विफल हैं। और अगर इनको सफल करना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। और कोई भी योजना आप करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन करते हैं वो अधिकारियों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। निश्चित ही जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि आप भूमाफियाओं के खिलाफ में नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार डरी हुई है, मध्य प्रदेश में भूमाफिया निरंतर तालाबों पर नदियों पर अतिक्रमण करता जा रहा है, खुलेआम नर्मदा नदी से रेत चोरी की जा रही है और मध्य प्रदेश का खनिज विभाग हो चाहे प्रशासन हो मौन धारण किया हुआ है। जब अधिकारी कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के माफिया उन पे हमला करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और सरकार मौन है। तो निश्चित ही आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कागजों में कितनी रिपोर्ट बना ली जाए अगर वो मूर्त रूप नहीं लेती तो हम उसको असफल नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।